मायावी गाय। द्वारका नगर नाम के एक गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास अपने पिता से विरासत में मिली हुई एक गाय थी। गाय का दूध बेचकर वो अपना जीवन बिताता था। इस तरह सभी लोग उसके घर जाकर दूध लेते थे। फिर एक दिन एक आदमी कहता है, अरे रमेश, दूध में पहले जैसी बात नहीं है और उसका स्वाद भी अच्छा नहीं है। इतने में दूसरा व्यक्ति, अगर तुम इस तरह का दूध देते हो तो हम दूसरी जगह से दूध खरीदा करेंगे, फिर कभी तुमसे कुछ नहीं लेंगे। ये कहकर वो दूध लेकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रमेश इस तरह सोचता है, पिछले दिनों तक तो दूध बहुत ही अच्छा और स्वाद भरा हुआ था और गाय भी हर दिन सुबह और शाम में दूध दिया करती थी, लेकिन अभी एक ही वक्त दूध दे रही है और वो भी बेस्वाद है। अब ये बेकार हो गई है, इसलिए इसे बेचकर एक अच्छी दूध देने वाली गाय को खरीद कर लाता हूँ। फिर अगले दिन उस गाय को बेचने के लिए वो बाजार लेकर जाता है। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी रमेश को देखकर इस तरह कहता है, बेटा रमेश, गाय को लेकर कहाँ जा रहे हो? ये कहकर वो सवाल करता है। तब रमेश, नमस्कार दादाजी, इस गाय की उम्र आपकी तरह ज्यादा हो गई है, इसलिए ठीक से दूध नहीं दे रही है, इसलिए इसे बाजार में बेचने के लिए ले जा रहा हूँ। तब बूढ़ा कहता है, अरे इतने दिनों तक इस गाय की वजह से तुम्हें कितना लाभ हुआ है, अब वो ठीक से दूध नहीं दे रही है इसलिए तुम उसे बेचना चाहते हो, ये तो अन्याय है बेटा। वो ऐसा कहता है। तब रमेश, अरे ओ दादाजी, इस तरह से बोलना बहुत ही आसान है लेकिन ये किसी काम की नहीं है। अगर आपको इस पर बहुत दया आ रही है तो थोड़े पैसे देकर इसे खरीद क्यों नहीं लेते। तब बूढ़ा आदमी अपने पास से थोड़े पैसे देकर उस बूढ़ी गाय को खरीद कर अपने साथ ले जाता है। अगले दिन सुबह गांव के लोग उस बूढ़े आदमी के घर दौड़े दौड़े जा रहे थे। तब रमेश उनमें से एक व्यक्ति को रोककर इस तरह पूछता है, अरे भाई क्या हुआ, इस तरह सभी लोग भागकर क्यों जा रहे हैं? तब वो आदमी कहता है, गांव के आखिर में रहने वाला जो बूढ़ा आदमी है ना, उसके घर में एक मायावी गाय आई है, वो दिखने में बहुत अनोखी है, इसीलिए उसे देखने के लिए सब भागे जा रहे हैं। रमेश सोचता है, उस बूढ़े आदमी को तो बूढ़ी गाय मैंने बेची थी, इतने में क्या चमत्कार हो गया। ये कहकर वो भी उस गाय को देखने के लिए जाता है, लेकिन उस बूढ़े आदमी के घर पर बहुत सारे लोग इकट्ठा थे और उस गाय को देख रहे थे। रमेश भी उस गाय को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वो सोने की गाय में तब्दील हो जाती है। जो भी उससे जो भी मांग रहा था वो मना नहीं कर रही थी, वो सारी चीजें दे रही थी। तब बूढ़ा आदमी इस तरह कहता है, प्यारे लोगों, आज तक मेरा कोई सहारा नहीं था, ईश्वर की बहुत कृपा हुई है, ये सोने की गाय मेरे पास आई है, आपको जो भी सहायता चाहिए मैं कर सकता हूँ। तब एक व्यक्ति कहता है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी बेटी अभी बड़ी हो गई है, मेरी बेटी का विवाह करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मुझे थोड़े पैसे दे दो। ये कहकर वो गाय से विनती करता है। वो गाय तुरंत ही पैसे देती है। तब दूसरा व्यक्ति इस तरह कहता है, मैं भी बहुत गरीब हूँ, मुझे भी थोड़ा सोना दे दो। गाय सोना देती है, लेकिन वो सोना पत्थर में बदल जाता है। तब बूढ़ा कहता है, देखो बेटा, तुम धनी होकर भी अपने लालच के लिए सोना मांग रहे हो, इसीलिए ये पत्थर बन गया है।
ये सब कुछ देखकर रमेश अगले दिन बूढ़े से छुपकर गाय की चोरी करके अपने साथ ले जाता है। फिर वो गाय से कहता है, क्यों रे बढ़िया हो, जब तुम मेरे पास थी तब तो कम दूध दिया करती थी, ये तो ठीक नहीं था। लेकिन अब उस बूढ़े के पास जो चली गई हो तो सोना दे रही हो, तो चलो अब मेरी इच्छा भी पूरी कर दो। ये कहकर वो इस तरह कहता है, मैं जिस भी वस्तु को छू लूं वो सोने में बदल जानी चाहिए। बिल्कुल वैसा ही होता है, जब रमेश खाने के लिए भोजन को छूता है तो वो सोने में बदल जाता है, फिर पीने के लिए पानी को छूता है वो भी सोने में बदल जाता है। किसी को भी छूने पर वो सोने में बदल रहा था। इस तरह हर वस्तु को सोने में बदलते हुए देखकर आखिर में उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए वो दुखी होकर रोता है। तब गाय कहती है, देखो रमेश, तुम बहुत लालची हो। जब तक मैंने दूध दिया था, दूध बेचकर तुमने पैसा कमाया। तुम्हारी जरूरत पूरा होने के बाद मुझे छोड़ दिया था। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने ये जानकर कि मैं बेकार हूँ, मुझे खरीद लिया था। मैं सोना देती हूँ, ये जानकर भी अपने लिए कुछ भी नहीं मांगकर बहुत सारे गरीबों की सहायता की। लेकिन तुमने लालच में आकर ऐसा वरदान मांगा कि जिस चीज को मैं छूं वो सोने की हो जाए। अगर इस तरह सब कुछ सोने में बदल गया तो क्या होगा, कभी सोचा है तुमने? तब रमेश दुखी होकर कहता है, मुझे माफ कर दीजिए। वो दुखी होकर रोता रहता है। इतने में वो बूढ़ा आदमी गाय को ढूंढते हुए आकर रमेश से कहता है, देखो रमेश, हमें सबसे प्रेम करना चाहिए और वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, नहीं तो ऐसा ही होगा। ये कहकर वो उस गाय पर बैठकर आकाश मार्ग से उड़कर चला जाता है। तुरंत ही रमेश के छूने से सोने में बदली हुई हर चीज, भोजन पानी, फिर से अपने असली रूप में आ जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुनिया में बहुत सारे लोग लालच के कारण अपना जीवन निराश होकर बिता रहे हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।